पीछे निकालना वाले को
तरीके से हमारे माशरे को तकसीम कर दिया कुछ फंडेड मोमबत्ती माफिया के लोगों ने औरत के हकूक़ के नाम पर, जबकि हमारा माशरा जो है वो इस तरह की तकसीम किसी सूरत भी उसका मुतामल नहीं हो सकता। जहाँ तक ख़वातीन के हकूक़ की बात है तो जितने भी लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, सोच रखने वाले हैं, समझ बूझ रखने वाले हैं, वो सब चाहते हैं कि ख़वातीन को वो तमाम हकूक मिलने चाहिए जो कि इस्लाम उनको देता है, और इस्लाम से बढ़कर कोई भी मज़हब ऐसा नहीं जिसने औरतों के हकूक की यानी औरतों के हकूक़ के हवाले से बात की हो, और सबसे ज़्यादा हकूक़ जो दिए वो इस्लाम ने ही दिए। इस सारे निज़ाम को पिदरशाही निज़ाम का नाम देते हैं और कहते हैं कि वालदैन की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। ये कैसी, ये कितनी अजीब सी बात है कि वालदैन यानी अपने बाप की मुखालफत करना ये किसी सूरत भी जेब नहीं देता, ये किसी सूरत भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये दुरुस्त लोग हो सकते हैं। वालदैन तो अपने बेटियों के लिए क्या कुछ करते हैं। एक वालद, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आप तहकीक करवा लें, रिसर्च करवा लें, जितने भी दुखी वालदैन हैं
उनको आप लें और उनसे पूछें कि उनके दुख की वजह क्या है, तो आपको ये आप जान सकेंगे कि ज़्यादा तादाद में वो लोग, वो वालदैन शामिल हैं, बूढ़े वालदैन शामिल हैं जिनकी बेटियां सुखी नहीं हैं, परेशान हैं अपने घरों में, तो वो उनकी वजह से दुख में मुबतला हैं, परेशानी में मुबतला हैं। तो ये कैसे लोग हैं? ये असल में या तो इनके अपने कोई घर में संभालने वाला नहीं है, या फिर ये सिर्फ उन फंड्स की फिक्र में हैं जो कि यूरोपियन ममालिक से इनको दिए जाते हैं हमारा फैमिली स्ट्रक्चर तबाह करने के लिए, हमारा ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर हमला करने के लिए।